पानी पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक ऐतिहासिक शहर, कई ऐतिहासिक लड़ाइयों का गवाह। पानीपत में हुई बाबर, हुमायूं और इब्राहिम लोधी जैसे लड़ाकों की जंग ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। यहाँ मौजूद सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें आज भी पानीपत के महान इतिहास को बयां करती हैं। पानीपत में कलंदर शाह की दरगाह के दीदार के लिए दुनिया भर के अकीदतमंद झोली फैलाए आते हैं, लेकिन आज के दौर का पानीपत अब अलग पहचान बना चुका है। इस जिले को देश का टेक्सटाइल हब कहा जाता है। अकेले पानीपत जिले से 7,500 करोड़ रुपए के हैंडलूम प्रोडक्ट सालाना दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 1948 से पानीपत में हैंडलूम की शुरुआत हुई और यहाँ के व्यापारी और उद्योगपति की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप पानीपत नगरी ने कभी वापस मुड़ते नहीं रखा। आज परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गई हैं कि 7,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पानीपत से सालाना होता है हैंडलूम गुड्स का। अगर डोमेस्टिक की बात करूँ कि जो कपड़ा, जो फर्निशिंग फैब्रिक्स, बेडशीट, पिल्लोज, कर्टन क्लोथ्स जो यहाँ बनता है उसका लगभग 10,000 करोड़ रुपए का डेली व्यापार है जो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचता है। पानीपत में आज़ादी के समय से ही हैंडलूम का काम जोरों से चलता रहा है। यहाँ बने कंबल पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब पानीपत रिसाइकल धागों के लिए विश्व स्तरीय पहचान बना रहा है। साल 1987 में ओपन इंडस्ट्री का आगाज हुआ था, तब से आज तक पूरी दुनिया में पानीपत से धागा एक्सपोर्ट किया जाता है। और आज आलम यह है कि धागों की रिसाइकलिंग करने में पानीपत पूरी दुनिया में नंबर एक शहर है। जब यहाँ ओपन एंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तब कानपुर, अहमदाबाद टेक्सटाइल का मैनचेस्टर गिना जाता था, परंतु आज ये परिस्थिति है कि पानीपत में ओपन एंड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे। हम ना केवल पूरे हिंदुस्तान को धागा सप्लाई करते हैं पानीपत से, बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करते हैं। वैसे तो पानीपत से पूरी दुनिया में धागा भेजा जाता है, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, रूस, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, बुल्गारिया, बेल्जियम जैसे देश में सबसे ज्यादा निर्यात होता है। पानीपत में करीब 400 स्पिनिंग मिल रोजाना 20,000 किलो धागा बनाती हैं। यहाँ की स्पिनिंग मिल में ज्यादातर कॉटन और पॉलिस्टर धागों की कई किस्में तैयार की जाती हैं, जिसका 20% उपयोग पानीपत की इंडस्ट्री में ही कर लिया जाता है। इन धागों से डोरमैट, कैनवास, पर्दे, चादर, फर्नीचर फैब्रिक और हजारों तरह के टेक्सटाइल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। स्पिनिंग भी बहुत है, ब्यूटी इज देयर। पानीपत की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि स्पिनिंग इज देयर एंड फैब्रिकेशन इज देयर। धागा भी यहाँ बनता है तो कपड़ा भी बनता है। बहुत ऐसे स्टेशन हैं इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी, वो केवल स्पिनिंग बनाते हैं या फैब्रिकेट करते हैं। हमारे यहाँ दोनों थे। पानीपत के स्पिनिंग मिल अलग अलग देशों से लाखों टन यूज्ड कपड़ा मंगाते हैं। रंगों के हिसाब से उसकी छटाई की जाती है, फिर उन कपड़ों की रुई बनाई जाती है और फिर वो रुई मशीनों के जरिए धागा बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोसेस में फ्रेश धागा बनाने से बहुत कम कीमत लगती है। यही वजह है कि विश्व स्तरीय धागा इंडस्ट्री में पानीपत जिला इतना पॉपुलर हुआ। यहाँ जो धागा बनाया जाता है उसकी कीमत इतनी कम होती है कि पूरी दुनिया के दूसरे बाजार इतनी कम कीमत में धागों की रंगाई भी नहीं कर पाते हैं। कि आगे आने वाला टाइम रिसाइकल का बहुत ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट केवल रंगाई के धागे के रेट में जो रुई का धागा लेते हैं, अगर धागे को रंगाई करते होते हम धागा ही दे देते हैं। रंगाई की लागत में हम लोग धागा दे देते हैं। बहुत कम कॉस्ट वाला धागा है जो पानीपत में बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज पूरे देश के धागा रिसाइकलिंग करने के 80% उद्योग पानीपत में हैं, जिसका रोजाना 500 करोड़ रुपए टर्नओवर है। पानीपत की धागा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री करीब 4,000 लोगों को रोजगार देती है। ऐसे में अगर पानीपत को धागों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई
अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।